हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सल्फाम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिसोल्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट हमें पता रहना चाहिए कि डिसोल्यूशन है क्या। सो डिसोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल गेट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये किस डोसेज फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है। सो इट कैन बी यूज फॉर ऑल सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म। इट मे बी अ टैबलेट और इट मे बी अ कैप्सूल। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये क्यों किया जाता है। सो इसमें हम प्रोडक्ट रिलीज टेस्टिंग वी कैन डिटरमाइन एंड सेकंड थिंग इज डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिव मटेरियल। सो दिस टू थिंग्स विच वी कैन नो। प्रोडक्ट रिलीज टेस्टिंग इसका मतलब है कि कितना एक्टिव मटेरियल ऑफ आवर सॉलिड डोसेज फॉर्म इज गोइंग टू रिलीज इन सॉल्वेंट एंड सेकंड थिंग इज दैट हाउ मेनी कंटेंट ऑफ एक्टिव मटेरियल इज गोइंग टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। सो दीज आर द टू थिंग विच वी कैन नो बाय डिसोल्यूशन टेस्टिंग। नाउ द क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे डिसोल्यूशन टेस्टिंग को परफॉर्म किस तरह किया जाए। तो फर्स्ट हमें जो है तो डिसोल्यूशन जार को सिलेक्ट करना होगा। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एपरेटस, ग्लास पीक वेसल्स यूज़ करना है या फिर प्लास्टिक के वेसल्स यूज़ करना है। डिपेंडिंग अपॉन द मोनोग्राफ जो स्पेसिफाइड किया गया है डिफरेंट मेडिसिन और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, तो हमें सिलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद प्लेस स्टेटेड वॉल्यूम ऑफ डिसोल्यूशन मीडियम इन द वेसल ऑफ एपरेटस। तो वेरियस डिसो मीडिया हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एसिटेट बफर हो गया, फॉस्फेट बफर है, HCl ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है। सो डिपेंडिंग अपॉन द मोनोग्राफ जैसे IP, USP, BP, सो डिफरेंट मोनोग्राफ के अंदर डिफरेंट मेडिसिन एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट डिसो मीडिया एंड डिफरेंट वॉल्यूम दे हैव स्पेसिफाइड। सो हमको उस मोनोग्राफ के थ्रू जाना होगा और वी हैव टू सिलेक्ट वॉल्यूम एंड डिसो मीडिया फ्रॉम मोनोग्राफ एंड वी हैव टू प्रिपेयर द डिसो मीडिया एंड वी हैव टू इनकॉर्पोरेट इन जार। देन असेंबल द एपरेटस एंड इक्विलिब्रेट द मीडियम टू 37°C। सो डिसोल्यूशन के दो टाइप है, टाइप वन एपरेटस है, टाइप टू एपरेटस है। डिपेंडिंग अपॉन द IP एंड USP दोनों भी अलग अलग है। कुछ में पैडल यूज़ करते हैं, किसी में बास्केट यूज़ करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एपरेटस वी हैव टू सिलेक्ट द पैडल और बास्केट। जब हमें पैडल और बास्केट दोनों में से कोई एक चीज़ सिलेक्ट हो जाएगा तो हमें उस पैडल या बास्केट को जार के अंदर इमर्स करना है और हमें इक्विलिब्रेट करना है मीडिया को 37°C के। 37°C में प्लस माइनस 0.5°C हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमें तीन पैरामीटर सिलेक्ट करना होगा। फर्स्ट पैरामीटर इज टेम्परेचर विच कैन बी 37°C, इट मे बी अ प्लस माइनस 0.5°C। सेकेंड पैरामीटर इज RPM है, किस RPM पे हमें इस पैडल को रोटेट करना है। एंड थर्ड पैरामीटर इज टाइम, एट वॉट टाइम वी वुड लाइक टू विदड्रॉ द सैम्पल फॉर डिसोल्यूशन टेस्टिंग। नाउ वी हैव टू प्लेस द डोसेज फॉर्म इन डिसोल्यूशन जार। जब हमारे तीनों पैरामीटर सेट हो जाएंगे, जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा 37°C का, देन वी हैव टू प्लेस द डोसेज फॉर्म इन डिसोल्यूशन जार एंड इमीजिएटली ऑपरेट द एपरेटस बाय रोटेटिंग द पैडल एट रेट स्पेसिफाइड इन द मोनोग्राफ। तो जो भी मोनोग्राफ में जितना भी RPM दिया रहेगा उस RPM से हमें इस पैडल को रोटेट करना है। जैसे ही हमारा पैडल रोटेट होना स्टार्ट होगा, वैसे ही हमारा टैबलेट या फिर कैप्सूल जो भी डोसेज फॉर्म रहेगा, इट विल गेट स्टार्ट टू डिसॉल्व। नाउ वी हैव टू विदड्रॉ अ सैम्पल फ्रॉम द एपरेटस विद इन स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल। जो भी स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल दिया गया है, हमें उस टाइम इंटरवल में जो है तो सैम्पल को निकालना है और हमें परफॉर्म करना है एनालिसिस। अब एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम दो मेथड से कर सकते हैं, इट मे बी अ UV मेथड और इट मे बी अ HPLC मेथड। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन जो लिया है वो बाय HPLC मेथड है। हाउ टू कैलकुलेट परसेंट रिलीज बाय HPLC मेथड। सो फॉर दिस वी हैव टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एक्टिव मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन। तो जो भी हम टैबलेट यूज़ कर रहे हैं उस टैबलेट के अंदर जो भी एक्टिव मटेरियल है, लाइक कॉम्बी फ्लेम टैबलेट में अगर यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर एक्टिव मटेरियल पैरासीटामोल है, तो मैं पैरासीटामोल का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाऊंगा और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन के लिए बनाऊंगा। तो यहाँ पे जो मैं डिसो मीडिया रहेगा उसको मैं एज ए डायलूंट या फिर एज ए सॉल्वेंट यूज़ करूँगा। बट फॉर मेकिंग स्टॉक वन सॉल्यूशन, तो मैं एक ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करूँगा जिसके अंदर मेरा एक्टिव मटेरियल डिसॉल्व रहेगा। बट फॉर मेकिंग सेकंड डायलूशन आई कैन यूज़ द डिसो मीडिया एज ए सॉल्वेंट। नाउ वी हैव टू फिल द सैम्पल इन HPLC वायल एंड कीप द वायल इन ट्रे। अगर हमारा HPLC सिस्टम ऑटोमेटिक HPLC इंजेक्टर रखता है तो उस वक्त हमें HPLC वायल्स को फिल करना होगा और हमें ट्रे में रखना होगा और डायरेक्टली इंजेक्ट द सैम्पल इन HPLC सिस्टम फॉर मैनुअल इंजेक्टर सिस्टम। बट अगर हमारा HPLC सिस्टम जो है तो ऑटोमेटिक इंजेक्टर है, तो उस वक्त हमें माइक्रोलीटर सिरिंज यूज़ करना होगा फॉर इंजेक्टिंग द सैम्पल एंड वी हैव टू रिकॉर्ड द एरिया ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑन HPLC सिस्टम।
अब हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन चुका है. नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द सैंपल सॉल्यूशन. सो व्हाट एवर डिसोल्यूशन सैंपल वी हैव कलेक्टेड फ्रॉम डिसोल्यूशन आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, नाउ वी हैव टू फिल्टर दोज डिसोल्यूशन सैंपल. तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि डिसोल्यूशन सैंपल के अंदर कुछ अनडिसॉल्वड एक्टिव मटेरियल हो गए या फिर एक्सीपिएंट हो गए. अगर अनडिसॉल्वड एक्टिव मटेरियल या फिर एक्सीपिएंट सैंपल में रहता है तो वो बाद में अफेक्ट कर सकता है हमारे रिजल्ट को. सो डिपेंड सो वट एवर अनडिसॉल्वड एक्टिव मटेरियल और एक्सीपिएंट होते हैं उसे हमें निकालना ज़रूरी होता है. तो फॉर रिमूविंग दोज अनडिसॉल्वड एक्टिव मटेरियल एंड एक्सीपिएंट वी कैन यूज़ द वेरियस फिल्टर. टेफ्लॉन फिल्टर हो गया, पीवीडीएफ फिल्टर या फिर नायलॉन फिल्टर वी कैन यूज़. एंड फॉर फिल्टरिंग द सैंपल वी कैन यूज़ द सिरिंज. नाउ डायलूट द डिसोल्यूशन सैंपल टू मेक इट्स कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. जो भी हम डिजो मीडिया से सैंपल कलेक्ट किए हैं उसको फर्दर डायलूशन करना पड़ेगा डिसोल्यूशन मीडियम के ही को एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हुए, और उसको उस वक्त तक डायलूट करना है जहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन बन जाए. वंस वी प्रिपेयर द सैंपल सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देन वी हैव टू इंजेक्ट द सैंपल इनटू सिस्टम एंड वी हैव टू रिकॉर्ड द एरिया. नॉट डिटरमाइन द परसेंट रिलीज बाय फॉलोइंग फार्मूला. सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ सैंपल रखूँगा और नीचे में एरिया ऑफ स्टैंडर्ड रखूँगा एंड वेट ऑफ स्टैंडर्ड एंड वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. वेट ऑफ स्टैंडर्ड इट मीन्स जो मैंने स्टैंडर्ड बनाया है उसके लिए जो भी वेट ऑफ स्टैंडर्ड यूज़ किया है उसको यहाँ डिनोमिनेटर में रखूँगा और उसको डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूमेट्रिक मतलब कि कितने वॉल्यूम में उसको डिसॉल्व किया है तो वो यहाँ पे रखूँगा. अगर फर्दर मैंने स्टॉक टू सॉल्यूशन बनाया है तो इसको यहाँ पे डायलूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करूँगा. देन यहाँ पे लेबल क्लेम मतलब कि यहाँ पे जो मैं एक टैबलेट एक जार के अंदर डाल रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं उसके अंदर जितना एक्टिव मटेरियल है दैट इज लेबल क्लेम उसको मैं जितने वॉल्यूम ऑफ मीडियम में डालूगा उसको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मीडियम रहेगा. और फिर आफ्टर परफॉर्मिंग आफ्टर कलेक्शन ऑफ डिसो सैंपल आई एम अगेन परफॉर्मिंग द डायलूशन. सो हियर आई विल कीप हियर डायलूशन फैक्टर एंड आई विल कम मल्टीप्लाई दिस होल फार्मूला दिस होल थिंग बाय पोटेंसी. पोटेंसी मतलब कि ये डिपेंडिंग अपॉन द स्टैंडर्ड वी यूज सो वी कैन पुट हियर पोटेंसी. सो दिस इज द फार्मूला बाय विच वी कैन डिटरमाइन परसेंट रिलीज. So thanks friends for watching my videos and please keep sharing my videos and subscribe to my channel Sulfarm.